नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। बोकारो में पेंड्रा जोरा थाना क्षेत्र के अमातल मोड़ NH 32 के समीप खड़े 407 को चोरों ने बीती रात चोरी कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी का ड्राइवर जलेश्वर कर्मकार ने बताया कि वे रात करीब 11:30 बजे घर आया और गाड़ी को घर के सामने खड़ा करके सो गया। सुबह जब 4 बजे सोकर उठा तो गाड़ी गायब थी। उन्होंने थाने को सूचना दी लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस पर लगाया आरोप। गाड़ी जिसके अंदर में चलता था, उन्होंने बताया कि गाड़ी रात में मेन रोड से चोरी हुआ है, लेकिन दोपहर तक पुलिस गाड़ी को ढूंढने तो दूर की बात, फिर FIR भी दर्ज नहीं किए हैं। जीबीएन 24 न्यूज़ के लिए चास बोकारो से अमरनाथ पोदार की रिपोर्ट। ड्राइवर सुबह 4 बजे फोन करता है, 5:30 बजे आते हैं तो देखते हैं कि मेरा JS 10 26 15 407 गाड़ी नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ थाना आते हैं, थाना में वायरलेस किया कर दिया जाता है, लेकिन FIR दर्ज सामने हुई है। सुबह से FIR दर्ज नहीं हुआ था, अभी थाना वाला अभी तक क्या एक्शन लिया है? पूरा नहीं हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ। गाड़ी अभी मिली है क्या? नहीं मिली है। क्या नाम आपका सर? वीरेंद्र कुमार। अब क्या है गाड़ी के? आप ही का देख रेख में गाड़ी चलता है। बोले क्या घटना घटा? 11 बजे गाड़ी खड़ा किया, 11:30, उसके बाद खाना खाए, उसके बाद वहाँ बैठे, बैठने का बाद सोने गए, उसके बाद हम नींद से पहले 4 बजे देख रहा है मेरा गाड़ी है। गाड़ी कहाँ? आमतल मोड़ में खड़ा किए थे, मंदिर के सामने। सुबह आप लोग कितना बजे उठ के देखे? 4 बजे। गाड़ी नहीं था? नहीं। क्या नाम है आपका? जनरल सर।